रेलवे से हूँ। अगर आप IRCTC एप्लीकेशन या फिर IRCTC आप यूज़ करते हो रेलवे टिकट करने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इस पर आपका ही फायदा होगा अगर आप यूज़ करते हो। तो तब तक वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। IRCTC और SBI ने मिलकर एक नया चीज़ लॉन्च किया है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं अगर आप IRCTC को यूज़ करते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो सो ये चीज़ है कि IRCTC और SBI ने एक साथ कोलाबोरेशन कर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो IRCTC SBI रुपए क्रेडिट कार्ड, जिस कार्ड को लॉन्च किया है IRCTC SBI रुपए क्रेडिट कार्ड का नाम से, जो SBI ने लॉन्च किया है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इस कार्ड के दौरान ये बताया गया है कि इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसे लेते हो या फिर इसे आप यूज़ करते हो। तो क्योंकि ये कार्ड नया लॉन्च हुआ है, इसलिए इसका बेनिफिट भी ज़्यादा दिया गया है। फास्ट जब भी आप लेते हो तुरंत आपको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद ये बेनिफिट मिलेगा। क्रेडिट कार्ड मिलने जब भी मिलेगा उसके बाद ही आप इस बेनिफिट को उठा सकते हो, जिसमें से एक बेनिफिट है कि अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो टिल 31 मार्च 2021, तो इस पर आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देना होगा। ज्वाइनिंग फीस वही आप एक मिल जाएगा आपको अगर आप 31 मार्च 2020 के अंदर आप ऑर्डर करते हो या फिर अप्लाई करते हो। तो नेक्स्ट बेनिफिट आता है, अगर आप इस कार्ड को लेने के बाद जब भी आपको इस कार्ड एक कार्ड मिल जाएगा फिजिकली, तो इस कार्ड को लेने के बाद आप अगर 45 डेज के अंदर इस कार्ड के थ्रू 500 रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा कुछ भी अमाउंट का अगर ट्रांजेक्शन करते हो, तो इस पर आपको मिलेगा 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिस रिवॉर्ड पॉइंट्स को देकर भी आप फिर से रेलवे टिकट कर सकते हो या फिर जो क्रेडिट कार्ड का बिल भी पेमेंट कर सकते हो। मतलब रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब होता है, एक रिवॉर्ड का पॉइंट का मतलब है 1 रुपीस, मतलब 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब है 300 रुपीज़। या फिर इस रिवॉर्ड पॉइंट्स को देकर भी आप पैसे पे कन्वर्ट कर सकते हो। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड पे सेम रूल्स लागू होता है कि आप बाद में इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स को देकर भी पैसे पे कन्वर्ट कर सकते हो या फिर कुछ बिल पेमेंट भी कर सकते हो। ये सब कुछ चीज़ चलते रहता है, लेकिन सब जगह पे सेम नहीं है। नेक्स्ट मिनट के बात करें, अगर आप इस कार्ड को देकर ये IRCTC SBI रुपये क्रेडिट कार्ड को देकर अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाकर फ्यूल डालते हो मिनिमम 500 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ के अंदर, तो इस पर आपको 10% का एक वैल्यू बैक पॉइंट मिल जाएगा। मतलब वैल्यू बैक पॉइंट्स का मतलब है रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आप समझ सकते हो। तो वैल्यू बैक पॉइंट्स मिल जाएगा, एक वैल्यू बैक पॉइंट्स का मतलब है 1 रुपीज़। तो इसका मतलब अगर आपको 10% का वैल्यू बैक पॉइंट मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको जो अमाउंट भी मिल जाएगा। तो 10% वैल्यू बैक पॉइंट मिल जाएगा अगर आप फुल डालो तो मिनिमम 500 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ तक। तो नेक्स्ट जो बेनिफिट की बात करें, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को देकर अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, जैसे कि IRCTC पे अगर कोई भी टिकट बुक करते हो, तो उस पर आपको 1% का चार्ज वैभव हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी भी टिकट को आप कटते हो और पेमेंट करते हो कोई भी डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो कुछ चार्जेस आपको देना पड़ता है। वो 1% भी हो सकते हैं, 2% भी हो सकते हैं, तो कुछ चार्जेस आपको देना पड़ता है। तो वो चार्जेस जो है 1% वैभव हो जाएगा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को देकर ट्रांजेक्शन करते हो। तो नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, तो अगर आपके पास IRCTC SBI रुपये क्रेडिट कार्ड होगा, तो इस कार्ड के दौरान आपको रेलवे लॉन्च एक्सेस मिलेगा पर क्वार्टर 1 कार्ड, मैक्सिमम 1 मिलेगा पर क्वार्टर, पर ईयर टोटल 4 लॉन्च एक्सेस मिलेगा। तो पूरा साल पे टोटल 4 लॉन्च एक्सेस जो आप चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड रहेगा तो ही ये मिलेगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। सो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ हो सकते हैं अगर आप रेलवे का टिकट ज़्यादा से ज़्यादा करते हो तो, क्योंकि इस पर आपको 10% रिवॉर्ड पे बैक पॉइंट्स मिलेगा। और इस कार्ड को देकर भी आप ऑनलाइन मार्शल्स पर ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन मार्शल का मतलब हुआ जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर आप जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी हो सकते कि कर सकते हो, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई भी अपडेट ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि ऑनलाइन मार्शल पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इस कट के दौरान आपका फ़ायदा ही मिलेगा आपको। तो यही था आज का वीडियो अपडेट, आई होप आप लोगों को वीडियो चलेगा, और मैं कोशिश किया आपके साथ आपके सामने पूरा डिटेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन कर पाया तो आप बताइए, अगर कोई भी मिस हो गया तो भी आप बता सकते हैं। अगर कोई भी मिस हो चुका है कुछ भी चीज़, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे कवर करूँगा। तो तब तक वीडियो को रखते हैं, और आई होप आप लोग वीडियो चलेगा। अगर आप लोग को असला प्ले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैंने वीडियो अपलोड करो तो उसमें नोटिफिकेशन मिल जाए। फॉर मोर डिटेल्स चेक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, क्योंकि सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन पर ही मेंशन करते रहता हूँ। वीडियो